मैं शिशुबाल मैम, मैं टीचर क्लास टेंथ को फर्स्ट 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कराने जा रही हूँ। फोर्थ पार्ट हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेट 60 डिग्री बाई सीकेट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। साइन 30 1/2, टेन 45 1, कोसिकेंट 60 डिग्री, साइन 60 हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अब साइन सीकेंट 30, सीकेंट 30 हमारे पास होता है कोस 30 हो गया अंडर रूट 3/2, तो सीकेंट उसका रिसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3। कोस 60, कोस 60 1/2, कोट 45 1, ऐसे में आ जाएगा हमारे पास 2√3, अंडर रूट 3 हो गया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। इसी तरह 2√3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया 4, 2 2 जा 4, प्लस रूट 3 माइनस प्लस ये हमारे पास 2√3। अब रूट 3 प्लस ये हो जाए 1√3, 2√3, तो 3√3 माइनस 4, रूट 1√3, 2√3, 3√3, सॉरी ये हमारे पास इसके बारे में 2√3, इसके डिनोमिनेटर में ये आ जाए हमारे पास 1√3, 2√3, 3√3 प्लस 4 बाय 2√3। अब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में का फ्रैक्शन न्यूमरेटर में जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 बाय 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 बाय 3√3 प्लस 4, ये कैंसिल, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज, रैशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आ जाए हमारे पास ये सेम है, ये सेम है, यानी a इंटू ए स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आ जाए हमारे पास ये a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 जा 9, 27, 6 6 जा 4 4 जा 16। अभी आ जाए 27 प्लस 16 माइनस 6 6 6 4 जा 24 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा हमारे पास 11, 27 माइनस 16 11। अब ये आ गया हमारे पास 27 प्लस 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बाय 11।
ये हमारे पास आंसर आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।